हेलो दोस्तों, राम राम जी। सुबह का समय है, देखिए सूर्यदेव निकल चुके हैं और पूजा ने इधर रख दिया चावल बनने के लिए और छोंक रहे हैं दाल दाल की। अच्छा, चावल यहाँ बनाई, दाल बना रही, दाल बनाई तो दाल इधर बनाई पूजा और चावल बाहर। चावल भेज दिया पूजा ने और जीरे में बनाओ सारा खाना, जीरे में बनना सारा खाना और टमाटर में सिर्फ। जीरा, टमाटर, दाल है मलिक मसूर के। तो संधा नमक यूज कर रहे हैं अब जब हम 2-3 महीने से, क्योंकि संधा नमक जो है दिक्कत नहीं करता और ब्लड प्रेशर बढ़ जाए से पबजी का बीपी बढ़ जाता है, उसमें भी ठीक आराम करता है। मतलब जैसा नमक सफ़ेद वाला जैसे नुकसान देता है। बिना पूछने ही हाथ बनवाया होगा देखिए राम कथा के लिए, तो वहां से प्रसाद आता है। बता क्या करते हैं, तो क्या ऋषि भी हो रही। अच्छा। जब तो पतली सी हो रही थी आज सब ना, पता जब डोंगे में मिली दो दो मिल रही थी, मैंने तो एक ही ली थी। दो दो मेरी गेम मिली थी, हां कहीं फिर ले थे। अच्छा, उन्होंने कहा जितना ले जाना बाल्टी भर के भी ले जाओ, आज आज दे तो डोंगे में फिर नहीं आ जे। अच्छा, इतनी खीर बना रखी थी, इतने पतली सी हो रही थी, प्रसाद है ना। और प्रसाद ये साबुदाने की है, साबुदाने की देख कितनी कड़ी हुई है, ये दारी दारी हुई है खीर में। रात है जी मन्ना, तो क्योंकि मुझे टाइम लगता नहीं, मुझे 7:30 बज जाते हैं ड्यूटी से आने में, और भागवत कथा तक मन्ने सुने नहीं, सिर्फ वीडियो में देखी है। अच्छा, किस लिए? दो बजे तो प्रसाद मिला, फिर टोपी मिली। अच्छा, आज सब डांस कर रहे थे, बढ़िया वीडियो बनाई थी। अरे ये किट्टू तो हड्डा पानी नहीं है, तो कल कान्हा जी का जन्म हो गया, और राधा जी का, कान्हा जी का बस, कान्हा जी का जन्म हुआ कल, तो श्रीमद् भागवत कथा में कल कान्हा जी का जन्मदिन हो गया। पहले तो गुलदाने का प्रसाद मिला। अच्छा, फिर ये रखा गुलदाने का प्रसाद, तीन टोपी दस में पड़ी कुकर में सब्जी कम बनाकर उसमें बनाकर चूल्हे पर उसमें बनाकर पतीली में और स्वाद होगा। और कल ये जूते मंगाए बंदे, दिखा तो दिया मुझे वीडियो में, वीडियो बनाई थी इसकी, कैसे लगे जूते? सही है। तो ये है जूते मेरे, कैसे लगे आपको जूते? ये आए हैं जी 1319 रुपये के, और जिस पर छूट चल रही थी 80% की, और अब जैसे ये हैं 1980 रुपये के हो गए, अब ये 2 दिन बाद ही 600 रुपये का फायदा हुआ मुझे इनमें। 8:15 बज गए भैया, पूरा जब तक खाना बनाएंगे मैं ना बोलूँगा, और फिर अपना पूजना भी तो है, आज सत्य हो गया है कनागत, इधर खाना बना रही है, और मैंने यहाँ पर जो है झाड़ू लगा दी कमरों में भी, बाहर भी बरामदे में और नीचे जिन्ने पर, बस कमरों में नहीं लगाई, नीचे कमरों में लेट देता मैं, नहीं तो मैं लगा देता क्योंकि नाना भी है भैया। और सत्यों का आज जो है कनागत है, तो पूजा ने 7 जगह जो है रोटियाँ निकाल दी है, दाल चावल है, रोटी है, हाँ सत्यों का कनागत है आज, तो 7 जोड़े निकलेंगे खाने के, और जी 9 बज गए हैं जी, मैं भी नहा लेता हूँ। अंकित है नहा ले जल्दी खाना, और देखिए सामग्री हो गई है पूजने के लिए, 7 लोटे जल, 2 लोटे जल है, और 5 है गिलास घी हो गया, और अंगारी हो गई, और खाना हो गया। तो अब श्राद्ध पूजते हैं सत्यों के नाम का, जय हो।
अर्पित कर जाए ऊपर, तो गाय को दिखाते हैं बच्चों को। हेलो जी, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आयो के आप सब अच्छे हो? मैं भी अच्छी हूँ और मेरी फैमिली भी अच्छी है। तो देखिए सुबह के बज रहे हैं अभी 10:30 और खाना बनाया ना, और भाई यार भी जा चुके हैं ड्यूटी पे अपनी। तो अभी मुझे बर्तन मान साफ करने हैं, चूल्हा साफ करना है। झाड़ू तो ले आ रही थी आज सुबह रे भाई ने, क्योंकि मैं ना खाना बनाई थी। तो देखो अकेले बंदे पर इतना काम नहीं होता सुबह सुबह, क्योंकि खाना भी होता है। जैसा जिस दिन सराद हो जाता है ना, उस दिन खाना बनाना पड़ता है। वो झाड़ू तो मैं बाद में ले आ देती हूँ, पर आज तो भाई ने ले आ देती मेरी। इतना मैंने खाना बनाया चूल्हे पे, चावल और रोटी बनाई है, दाल बनाई थी गैस पे। तो चलो भाई अभी काम निपटा लेते हैं अपना। बर्तन चूल्हा ही रह रहा है, वैसे सारा काम तो निपटा दिया उन्हें। और आज कपड़े भी नहीं धोने की मैं कल धो देते मैंने कपड़े। तो देखिए फ्रेंड्स 11 बज चुके हैं और अभी मैंने बर्तन साफ कर दिया है। अभी मैं चलती हूँ नीचे, क्योंकि अभी मेरा चूल्हा भी ऐसे ही पड़ा है। ये राख ने निकल दी भाई, गर्म होती थी ना राख, अंगारी गर्म सी होती थी आग, तो इसलिए चूल्हे भी राख ने निकल ली। तो बर्तन साफ कर दिया, वैसे सारा काम निपटाते हैं, फिर चूल्हा ही रह रहा है। चूल्हा ठंडा होने के लिए रख दिया है मैंने, भी बाहर निकाल देती सारी अंगारी जो आग है, तो बाहर निकाल देती चूल्हे की। तो अभी चलती हूँ मैं नीचे, तो भाई को ना फीवर हो रहा कल से, तो इसे नारियल पानी दे देती हूँ। नारियल पानी लाए थे तो इसे निकाल के गिलास में दे देती हूँ, क्योंकि पाइप नहीं आया इस पर, बिना पाइप के इसमें कर दूँ बस। चलते हैं नीचे। इस नारियल का पाइप नहीं था और इसमें होल करने के लिए पूजा ने देखे चाकू का और पेंच कस का इस्तेमाल किया है, और उससे पानी निकाल लिया है नारियल का पानी, क्योंकि मन को लग हो गया है डेंगू, पलेट डाउन हो चुका है उसकी। तो उसके लिए कीवी, बकरी का दूध और नारियल का पानी ये प्यारा है गगन को। देखिए कितनी मेहनत करने के बाद पूजा ने आखिरकार पानी निकाल ही दिया इसका, नारियल का, ये देखिए। और गिलास में कर लिया इसका पानी को और गगन को दे देगी, तो उसके लिए निकाला है इसने, ये निकलाया नारियल पानी दे देती हूँ भाई को। ये निकला इसमें से, पीला आग बंद कर कैसा तो देखे सारा काम निपटा दिया मैंने, आंगन का भी और बरामदे का अंदर का भी, सारे बर्तन बर्तन साफ कर देते और अभी आराम कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स 2 बज चुके हैं, वो भी भगवत कथा भी शुरू हो चुकी है। तो कपड़े मैंने धोए नहीं आज, देखो आज श्राद्ध रहता ना सर्दियों का, तो इसलिए कपड़े नहीं धोए आज, कल धो दूँगी, कल नहीं है ना, फिर परसों को है शायद माँ। तो देखिए फ्रेंड्स अभी मैं ना जिस दिन श्राद्ध होता है माँ पूछ लेती हूँ घर में चाची जी से, तो वे बता देती है मुझे। और जब मम्मी थी तो मम्मी खुद बता दे गई थी कि आज उनका है, आज उनका है, तो करना पड़ता है। तो अभी 3रा साल है मम्मी का, जो मेरे हमारे बीच में नहीं है मम्मी, तो इनका भी परसों को मम्मी वाले दिन होता है श्राद्ध, बहुत ज़्यादा याद आते हैं उस दिन। तो पर ठीक है, काम करना पड़ता है, सारे काम होते हैं, और बहुत ज़्यादा याद आती है मम्मी की, पर क्या करें, बताया किसी को नहीं जाता। जैसा भगवान की मर्जी है होना तो देखो ऐसा ही। नारियल, कीवी और सेब लाया हूँ। अभी तो आ जाते हैं मिस्टर जाते हैं, मेरे क्या पता है, वो तो मिले ही आ जाता है। तो 2 नारियल, सेब और 3 कीवी है। मुझे नहीं कह रहा बड़ा होगा ठीक है, तो मुझे तो हेलो दोस्तों, राम राम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप क्या सब अच्छे हो और मैं भी अच्छा हूँ। तो फिलहाल गगन चला है बुखार,
उसकी ड्रिप लग रही है, दवाई चल रही है इसकी। तो घेर में आया था देखे जिस लेंटर का, अब ये दो चार दिन पहले लेंटर डल था ना, ये देखने के लिए आया हूँ मैं। तो पानी पर रखा है, अभी सूख रहा है कुछ पानी, एक में है अभी फिलहाल पूरा का पूरा पानी, और मैं सूखा पड़ा तीन कैरियों में, चार कैरियाँ बना रखी है। और यहाँ से तो इतना बड़े नज़ारा दिखा निचले वाले से ऊपर फालतू, बहुत ही अच्छा दिखाता हूँ आपको। ये देखिए हरियाली हरियाली, खेतों की हरियाली, सुबह सुबह खेतों की हरियाली देख ले इतनी, तो आंखों की रोशनी तरोताज़ा रहती है। ये भी तो सुबह सुबह व्यक्ति घूमने के लिए चलते हैं खेतों की ओर। और गांव का दृश्य ही रहा देखें, और हमारा घर हो रहा, यहाँ से घर बढ़ रहा है, चमक रहा बिल्कुल एक नंबर। जो तिरंगा झंडा है ना बड़ा सा, वो तिरंगा झंडा बड़ा सा वो गरीब पर लग रहा। इस बिल्डिंग के बराबर में तिरंगा झंडा चमक रहा ना बीच में, वो घर पर ही है। चलो अब नीचे चलता हूँ, मिस्त्री मामा भी आ लिया यार, विशाल भी आ लिया। हेलो जी, राधे राधे, कैसे हो आप सब, आए हो क्या, सब अच्छे हो? मैं भी अच्छी हूँ और मेरी फैमिली भी अच्छी है। तो देखिए सुबह के अभी बजे है 10:30 और अभी मेरा काम ऐसे ही पड़ा है, वैसा सारा काम तो निपटा रहा था, थोड़ा ही रह रहा है, ज़्यादा तो है नहीं। तो बिस्तरों की बिस्तर इकट्ठे कर दिया मैंने, और झाड़ू से ले आके ना पोछा रह रहा है, पोछा ले आना और बस रसोई साफ करनी है, बर्तन भी साफ कर दे और खाना भी बना दें। अभी डल लिया मशीन में कपड़े की, लाइट अभी आई ना 5 मिनट पहले ही, तो चलो कपड़े डाल दिए मैंने मशीन में, इतने पोछा लगा लेते हैं कमरों में और बरामदे में। और चूल्हे पर धूप आ चुके हैं, और आज ना श्राद्ध नहीं था, कल है, तो फिर कल कपड़े तो नहीं धोने थे ना, तो इसलिए मैंने आज ही धो दिया है, कि ज़्यादा कपड़े तो कपड़े ना ज़्यादा नहीं थे, एक का जोड़ा था सारों का, तो धो दिए मैंने मशीन में डाल दिए। बस ये शर्ट रह रही है भाई की, भी मैं हाथ से धोनी है इसे, ये वाली तो इसे मशीन में धो लेंगी, हाथ से धो देती हूँ साबुन से, और बुरुश था जो कपड़े धोने वाला बुरुश होता है ना, इससे धो दूँगी।